चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज की टेक न्यूज़ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में और एक अपडेट आ गया है, जैसे जिसके बारे में आज की वीडियोज़ में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और कुछ नए स्मार्टफोन एप्पल का मैकबुक वगैरह लॉन्च करने वाला है, उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। सब कुछ जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। और हर दिन की तरह बोलना चाहूँगा, पहली बार अगर चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए, क्योंकि इस चैनल में जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तब आपके पास सब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट, आप लोग तो व्हाट्सएप वगैरह तो यूज़ करते होंगे। जैसे कि व्हाट्सएप आपके स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन से आप लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आप लिंक करते हो, डेस्कटॉप में आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, व्हाट्सएप वेब के थ्रू आप खोलते हो, उसके बाद स्कैन लेते हो, उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप है उसका फ़ोन के साथ डेस्कटॉप में या लैपटॉप में लिंक होता है। तो यहाँ पर एक बात आती है, जो आपका जो स्मार्टफोन है उसका भी ऑनलाइन होना ज़रूरी है। लेकिन जो व्हाट्सएप का जो ये अपडेट आया है, आप मल्टीपल डिवाइस पे आप लिंक कर सकते हो विदाउट ऑनलाइन। आपका फ़ोन अगर ऑनलाइन नहीं भी होगा तब भी आपका व्हाट्सएप आप मल्टीपल डिवाइस पे आप लिंक कर सकते हो। ये जो व्हाट्सएप के फीचर्स है आई होप कि अच्छी होगी, बट इसका डिफ़ॉल्ट भी है कुछ, और जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, व्हाट्सएप का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ है दो नंबर पे वो है एप्पल की तरफ से। जी हाँ, एप्पल की तरफ से अपकमिंग एक आईपैड एंड एक मैकबुक प्रो भी लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको OLED टाइप आपको स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो प्रोड्यूस करता है सैमसंग और LG कंपनी। LG और जो सैमसंग का डिस्प्ले होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एप्पल का हर एक स्मार्टफोन में सैमसंग का ही डिस्प्ले होता है। तो चलिए जान लेते हैं अगला, जो थर्ड में जो आती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो थर्ड में नंबर थ्री पे आता है मोटोरोला का Moto E30, जो एक स्मार्टफोन है वो ऑलरेडी लॉन्च हो गया है, जिसका प्राइस अंडर 10K यानी 10,000 के अंदर उसका प्राइस आती है, और जिसमें आपको रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट प्राइस देखने को मिल जाएंगे। और उसमें आपको जो चिपसेट आपको देखने को मिल जाएंगे वो यूनिसेस T700 में आपको चिपसेट देखने को मिल जाएगा। और इसका जो OS होगा, और इसका जो OS है वो आपका Android Go आपको OS देखने को मिल जाएंगे। सो काफ़ी अच्छी एक फ़ोन है अंडर 10,000 के अंदर। सो गो एंड चेक इट। सो अगला, जो नंबर फोर पे आती है सैमसंग। जी हाँ, सैमसंग का एक दो स्मार्टफोन आने वाला था, एक वीडियो में मैंने बताया था, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 एंड सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 3, ये दोनों फ़ोन आने वाला है। लेकिन ये दोनों के लॉन्च हो गया है फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो इसमें कंपनी की तरफ से आपको एक ऑफर्स वगैरह दे रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई भी स्मार्टफोन लेते हो तो वो आप अच्छा नहीं लगता है तो आप रिटर्न कर देते हो, तो यहाँ पे आपको कंपनी की तरफ से, कंपनी खुद आपको बता रहा है, आप 15 डेज के लिए आप फ़ोन को परचेस कीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता है आप यूज़ कीजिए, आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप रिटर्न कर दीजिए। यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 एंड जेड फ्लिप 3 दोनों के फ़ोन की तरफ से ये ऑफर दे रहा है। सो इस ऑफर्स का मजा लीजिए यार। तो चलिए जान लेते हैं नंबर फाइव पे जो टेक न्यूज़ आती है उसके बारे में। तो नंबर फाइव पे आती है IQ 9 सीरीज, जो दो फोन लॉन्च करने वाला है IQ की तरफ से, जिसमें आपको प्रोसेसर, आपको लेटेस्ट प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 898, जो एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है। लास्ट जो निकाला था क्वालकॉम का वो था स्नैपड्रैगन 888 SoC में आपको देखने को मिल गया था, बट यहाँ पर आपको और भी अपग्रेडेबल आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जैसे कि जो स्नैपड्रैगन 898 SoC में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो दो वेरिएंट जो फ़ोन होगा IQ 9 सीरीज़ का, वो है, एक है IQ 9, दूसरा है IQ 9 लेजेंड। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें आपको बेस्ट क्लास आपको कैमरा देखने को मिलेगा और आपको बेस्ट क्लास रैम वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो आई होप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड स्मार्टफोन है, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। सो आप लोगों में से कितने सारे लोग एक्साइटेड हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों के मन में अगर कोई भी कमेंट होगा कोई भी टॉपिक में, अगर वीडियोस वगैरह चाहते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हो, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और इसी टाइप का अगर वीडियोस देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।